यमुनानगर में अपराधियों का बोलबाला है। पुलिस प्रशासन मस्त है और जनता बदमाशों के आगे पस्त। पब्लिक का बाहर तो छोड़िए, घर में भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। यमुनानगर के पौष इलाके मधु कॉलोनी में रात के अंधेरे में प्लाईवुड कारोबारी को उन्हीं के घर में हथियारों के दम पर बंधक बनाकर लाखों की लूट की गई। बदमाशों ने घर में पड़े 10 लाख कैश, लाखों की ज्वेलरी लूट ली। लूटपाट की इस वारदात को अंजाम देने में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 4 लुटेरे शामिल थे। बताया जा रहा है कि कारोबारी के नौकर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बहुत ज्यादा खराब बन जाओ, बंद ही नहीं है। मैं देखा, मैं बाहर निकल गए, मुझे भी बांध दिया ने, ऊपर बैठ गए मेरे दो बंदे, आप पैसा दो। उसने कहा जो हमारा स्टोन बंद था, सीगा बंद था, मैं अपने खोल लिया, उसने खोल लिया। फिर उन्होंने जान तो बात यार जोर लगा रहे अपने आप खोल के, फिर मैंने बाथरूम जाना था, फिर दक्कना खुल गए, मैं बाहर निकल गया। बाहर निकल मैं शोर में जा रहा, भाई को बुला लिया मैंने, वो इतने घबरा के निकल गए। कारोबारी के घर में हथियारों के दम पर बंधक बनाकर लूट की इस वारदात में सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें कारोबारी का नौकर पहले गेट के अंदर आया और फोन पर बात करता दिखाई दिया। फिर उसके 3 साथी घर में गेट के अंदर दाखिल हुए और फिर लूट करने के बाद एक आरोपी जिसके हाथ में एक बैग नजर आ रहा है, वो घर की दीवार फांद कर बैग लेकर भाग गया। बाकी उसके 3 साथी गेट खोलकर भागते हुए नजर आ रहे हैं और उसके पीछे कारोबारी की पत्नी भी गेट तक भागी। इस घटना पर कारोबारी के भाई नरेश ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ब्रदर और मेरे भाभी दोनों रूम में बैठे हुए थे, जो हमारा सर्वेंट था उनने उनको बुलाया था, उन्होंने बुला के उसने गेट खोला, इनको आके इनको बंदी बना लिया और चाकू रिवॉल्वर दिखाई। उसके बाद जितना इन्होंने कड़ा डाला हुआ था, 10-12 तोले का चेन डाली थी भाभी ने, काफ़ी सामान डाला हुआ था गोल्ड का, वो सब निकलवा लिया उन्होंने बांध के, और भाभी को थप्पड़ बहुत मारे उन्होंने। फिर अलमारी तोड़ के इतने 8-10 लाख कैश था और कुछ गोल्ड की ज्वेलरी से लेके भाग गए। कितने 4 लोग थे, एक हमारा भादर था। उसमें क्या बाय चांस किया, हमारे मेरा घर पीछे है, मैं इसका छोटा भाई हूँ, इन्होंने चीखे मंगानी शुरू की, हम फटाफट भाग के आए, इतनी देर में वो भाग के निकल के अपने बैग यहीं छोड़ गए। वो अदर भाई वो कुछ और घटना करते, बैग में कुछ हथियार थे ना सर? हथियार थे उनके, 2 बड़े बड़े सब्बल थे मारने के लिए, पेचकस थे और चाकू था, मतलब और काफ़ी हथियार थे मारने के लिए। तो सर रत है बहादुर, एक हमारे फैक्ट्री में 4-5 साल से बहादुर काम कर रहा, उसने लगवाया था इसको, ये 3 महीने से हमारे साथ था। तो इस रहने वाला भारत है, नेपाल का रहने वाला है। ये कितने दिन हो गए अभी काम कर रहे हो? 3 महीने से हमारे पास काम कर रहे हैं। हाँ, चोटें आई हैं उनको, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, एक डॉक्टर उधर आए भी हुए हैं, उनका बीपी भाभी के भी चोटें भी हैं, उनका बीपी का भी बढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के अभी कितना कैश लेके गए हैं? अभी तो ऐसा कुछ बता नहीं सकते, 8-10 लाख कैश होगा, बाकी गोल्ड काफ़ी ले गए हैं। नरेश ने बताया कि बदमाशों ने गेट के अंदर घुसते ही उनकी भाभी को भी मारा और भाई को बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने चाकू और रिवॉल्वर के दम पर उन्हें लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लूटपाट की घटना के बाद पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खुल चुकी है, मगर इस घटना को लेकर SP मोहित हांडा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोग जो यहां पे आए थे 104-105 नंबर इधर लोकेलिटी में, और उन्होंने यहाँ पे जो मकान के यहाँ के पे रहते थे इनको बंधक बना के यहाँ से इनका सामान लूट के लेके गए हैं। अभी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, अलग अलग टीम्स जो हैं वो हमने एक्टिवेट कर दी, वो अपना काम कर रहे हैं। FIR इनकी जो फॉर्मल कंप्लेंट लेके वो दर्ज की जाएगी और कोशिश यही रहेगी कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सर कुछ बता दीजिए, मिस्टर गर्ग जो हैं इनका घर है यहाँ पे 104-105 नंबर मधु कॉलोनी की बैक साइड, और अभी जो फॉर्मल है FIR वो दर्ज की जाएगी। कुछ लोग जो यहाँ पे आए थे और इनका कुछ इनिशियल क्लूज भी हैं, उसको पहचानते हैं जो व्यक्ति है, और उसके कुछ और साथी आए उसको एक्सेस दी यहाँ पे घर पे। अब हमारी कोशिश यही है कि सभी टीम्स के साथ इसको जल्दी से जल्द। मौके पर पहुंचे SP मोहित हांडा ने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाए। इस वारदात को लेकर कई क्लू सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब के CTV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।